पाकिस्तानियों के भी सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं ब्राह्मण लोग। बहुत अच्छी चाल है, आज कह रहे ब्राह्मणों देश छोड़ो, कल कहेंगे क्षत्रियो देश छोड़ो, परसों कहेंगे वैश्यो देश छोड़ो। हम नहीं छोड़ेंगे, भूलना मत मंगल पांडे को, भूलना मत महारानी लक्ष्मीबाई को, और ऐसे तमाम नामों को मत भूलना। पढ़ने में कमजोर हैं तो उसके पढ़ने की सामर्थ्य प्रबल हो जाएगी, तेज हो जाएगी। जिन लोगों के जीवन में धन का अभाव है और जो अधिक धन की संख्या चाहते हैं, उनका अभिषेक करें, उनका विसर्जन करें, 41 दिन करें तो और भी अच्छा है। बकरी की धूल, झाड़ू की धूल, बिल्ली की धूल, इसीलिए माता बहन बैठ के झाड़ू लगाती हैं, जैसे धूल किसी पे उड़े ना, किसी पे आप पे भी, झाड़ू लगाने वाले पे भी वो धूल पड़नी नहीं चाहिए। हम तो पाकिस्तानियों के भी सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं ब्राह्मण लोग, वो भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम चले जाएंगे छोड़ के, बता दो कहां जाएं। बहुत अच्छी चाल है, आज कह रहे ब्राह्मणों देश छोड़ो, कल कहेंगे क्षत्रियो देश छोड़ो, परसों कहेंगे वैश्यो देश छोड़ो, फिर कहेंगे चौधरीयो देश छोड़ो, और फिर जो रह जाएंगे वो कहेंगे ओबीसी एसी सीसी सब। तुम कैसे रह रहे हो इस देश में? तुम भी देश छोड़ो, किसका हो गया देश? जब सब छोड़ो तो किसका हो गया देश? माय डियर, हम देश नहीं छोड़ेंगे, ये देश हमारे बाप का है, हम नहीं छोड़ेंगे। हमने तब भी नहीं छोड़ा था जब हमारे सरों के ऊपर, हमारे गर्दन पर तलवार रखी थी, तब भी हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटवाई थी, देश नहीं छोड़ा था, उसके लिए लड़े थे हम। भूलना मत मंगल पांडे को, भूलना मत महारानी लक्ष्मीबाई को, और ऐसे तमाम नामों को मत भूलना। न ब्राह्मण देश छोड़ेंगे, न क्षत्रिय देश छोड़ेंगे, न वैश्य देश छोड़ेंगे, न कोई ओबीसी एससी वीसी कोई देश नहीं छोड़ेगा। अगर किसी को हमारे साथ रहने में प्रॉब्लम है, अगर आप हमारे साथ नहीं रह सकते, तो आप व्हाटएवर यू वांट टू डू, देश हम नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा करी तो देश की रक्षा के लिए ये ब्राह्मण सभी सनातनियों को लेकर सड़क पे उतरेगा, अगुवाई करेगा और पूरे विश्व को बताएगा कि सनातनी कैसे होते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी को गाली नहीं देते, लेकिन ब्राह्मण देश छोड़ो, फिर कल कहना क्षत्रियो देश छोड़ो। देश तुम्हारे बाप का है जो हम देश छोड़े हैं, देश हमारे बाप का है। तुम्हारे बाप तो ले गए, वो रहा बगल में, जाओ वहां जिसे जाना हो। हम थे, हम हैं और हम, ये किसी में दम नहीं कि सनातनियों को देश छुड़वा सके। ये देश सनातनियों का है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश परशुराम का है, ये देश बामन का है, ये देश नरसिंह का है, सगर का है, हरिश्चंद्र का है, महारानी लक्ष्मीबाई का, मंगल पांडे का है। हमें धमकाते हो, हमको धमकाओगे? हमारे साथ तो सब देवी देवता हैं और खाली नहीं है, सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। इसलिए सनातनियों, अपने बच्चों के साथ कथा सुनो, जिससे हमारे बच्चे सनातन के पथगामी हों। मुझे तकलीफ होती है जब देश में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, कष्ट होता है। और अब सनातनी एक ऐसा रास्ता है जहां से हम अपने देश को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। आप और हम सभी एकत्रित हों और एकत्रित होकर अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानें। ये जो राक्षसी स्वभाव है ना, कुछ भी खाना, कहीं भी जाना, कुछ भी बोलना, इस पर विश्राम लगाओ। ये सब काम का नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं।
हमें जो हमारे पुराणों ने बताया है, हमें जो पुराणों में समझाया गया है, हमें वही फॉलो करना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज कलयुग के लोगों का स्वभाव ही है ऐसा, पाप में रत रहना उनका स्वभाव है, सारे पाप में आचरणों में लिप्त रहना उनका स्वभाव है। आप कुछ कीजिए, आप हमें कुछ बताइए जिससे इनका कल्याण हो सके, ऐसा कोई साधन बताइए। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र अंतःकरण विशेष शुद्ध हो जाए। पढ़ने में कमजोर हैं, उनके हाथों से 1000 पार्थिव शिवलिंग बनवाने चाहिए और उनका पूजन करवाना चाहिए, उन पर बेलपत्र चढ़वानी चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। ये क्रम अगर वो 11 दिन भी लगातार कर ले तो उसके पढ़ने की सामर्थ्य प्रबल हो जाएगी, तेज हो जाएगी, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। मात्र 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे अपने हाथों से, उनका पूजन करे और उनका अभिषेक करे, फिर उनका विसर्जन करे। जिनके जीवन में धन का अभाव है, जो धन के लिए तरसते रहते हैं, अब ऐसी बातें आप लोग बड़े मन से सुनते हो इसलिए बोल रहे हैं हम आपको, ऐसी बातें ज्यादा सुनना पसंद करते, पैसा कहां से आएगा, अब बैंक में चोरी थोड़ी करोगे, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म का ही फल है पैसा प्राप्त करना। जिन लोगों के जीवन में धन का अभाव है और जो अधिक धन की संख्या चाहते हैं, उन लोगों को 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने हाथों से करना चाहिए। 21 दिन लगातार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे, उनका पूजन करे, उनका अभिषेक करे, उनका विसर्जन करे। 41 दिन करे तो और भी अच्छा है, लेकिन 21 दिन तो कम से कम करे। अपने हाथों से 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उस मनुष्य को करना चाहिए। 21 दिन इसका पूजन करें। ऐसे जिनके परिवार में गृहस्थ में तो चले गए हैं परंतु उनके घर में संतान नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ में एक पुत्र का होना परम आवश्यक है, बिना पुत्र से गतिर्लोके, बिना पुत्र के इस लोक में गति नहीं होती, इसलिए एक ही पुत्र हो पर हो, ऐसी मान्यता है। तो शादी विवाह के बाद भी जिनके परिवार में पुत्र धन ना हो, पुत्र रत्न ना हो, ऐसे लोगों को शिवलिंग एवरीडे बनाने चाहिए। 11 महीने तक लगातार ये क्रम पूरा करे, पूजन करे, 1500 पार्थिव शिवलिंग बनाने में मुझे नहीं लगता 1 घंटा भी लगेगा। पुत्र रत्न धन जैसा प्राप्त करना है, वो धन बहुत बड़ा है, वो रत्न बहुत बड़ा है। जिन दिनों में देवियां करने वाली ना हो, उन दिनों में पति वो क्रम पूरा करे। 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवरीडे करे, 11 महीने तक, सोमवार से शुरू करे। ये सारे क्रम सोमवार से ही शुरू करने चाहिए जो मैंने बोले, सोमवार से शुरू करे और 11 महीने तक 1500 पार्थिव शिवलिंग बनाए, निर्माण करे, पूजन करे, विसर्जन करे। निश्चित उस गृहस्थी को भगवत कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। अब कोई 60 साल के और 70 साल के होके करें तो फिर भगवान कोई और ही क्रम से देंगे, फिर हाँ पता चलेगा बोले महाराज की बात ही पकड़नी, या विश्वास ही नहीं हुआ, या श्रद्धा ही नहीं हुई। तो ये सब चीजें श्रद्धा विश्वास पे ही टिकी है। ये कोई महाराज ने तुमसे कोई फीस नहीं लिया कि इतना का लोग, गारंटेड गारंटेड शिव जी के वचनों पर विश्वास है मुझे।
शिव की भक्ति पर विश्वास है मुझे, आप करके देखो। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने वाले व्यक्ति को मोक्ष सहज में ही प्राप्त हो जाती है। जो अपने जीवन काल में 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, उनका पूजन करता है, उनका विसर्जन करता है, उनको इसी जीवन काल में वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और भी बहुत है लेकिन अभी आप इतना ही समझ लीजिए, यही आपके मतलब की चीजें कुछ काम की मैंने बताई हैं, आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। शिव पुराण सुनना कैसे चाहिए, ध्यान से सुनिए। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि, झाड़ू की धूल से तथा गधे के पैर की धूल से हमेशा बचकर रहना चाहिए। बकरी की धूल, झाड़ू की धूल, बिल्ली की धूल, जितने भी अगर इनकी धूल तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो सारे शुभ प्रारब्ध को हर लेती है, इसका दुष्परिणाम है, ध्यान से सुनिए। इसीलिए माता बहन बैठ के झाड़ू लगाती हैं जिससे धूल किसी पे उड़े ना। ये बहुत बड़ी बात हम आपको आज बता रहे हैं, जब घर में झाड़ू लगाएं तो ऐसे उड़ाएं नहीं, किसी पे, आप पे भी, झाड़ू लगाने वाले पे भी वो धूल पड़नी नहीं चाहिए। आराम आराम से घर में झाड़ू दें जिससे धूल किसी पे उड़े ना। उसका दुष्परिणाम क्या है, जब बकरियां आ रही हों और तुम रास्ते में आ जाओ तो बकरियां जाएंगी, बहुत भेड़ भेड़ बकरियां अगर ग्रुप में जाएंगी तो धूल तोड़ेगी, अगर तुम बीच में आ जाओ और झाड़ू कोई लगा रहा हो तुम बीच में आ जाओ तो उसकी धूल तुम्हारे शुभ प्रारब्ध को दूर कर देती है, नष्ट कर देती है, ये कभी नहीं होना चाहिए। हाथी, घोड़ा, रथ, धान्य तथा गौ की धूल बड़ी शुभ होती है। हाथी लोग जा रहे हो, घोड़े जा रहे हो बड़क बड़क करते हुए और गौ माता आ रही हो तो उनके पैर से उड़ी हुई धूल बहुत शुभ मानी गई है, वो बहुत शुभ होती है। गौ की धूल, धान्य की धूल तथा पुत्र के अंग की धूल, पुत्र के अंग की, हाँ अब माताएं खूब लिपट सकती हैं अपने बेटे से। गौ की धूल, धान्य की धूल तथा पुत्र के अंग की लगी हुई धूल अत्यंत शुभ तथा महापातकों का विनाश करने वाली होती है। है बनवारी के बड़ी जोर से ताली बजा रहा हूं, का चक्कर है, कहो ऐसा तो ना कल समुद्र में लौट के जाए अपनी मम्मी के जोरे। बड़ी शुभ होती है बेटे के अंग की धूल, सभी पापों को, अब तो कई बेटा तो जाएंगे धूल लगा के बोले मेरी मम्मी के पाप कट जाए, ये सुनने के बाद तो मैं भी प्लानिंग ऐसे ही करूं कुछ कि धूल लगा के जाए। इसमें बताया गया, हमारे हम नहीं कह रहे, महापातकों को नाश करने वाली होती है। जो मनुष्य गौ के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है वो मानव तीर्थों के जल में स्नान कर लेता है और उसके सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है।